Good morning. How are you all? I hope you all are fine, and I hope you have completed yesterday's homework. Now I am going to start our today's class. First of all, kids, tell me which date is today? Who will tell me? 25th June 2020. And which day is today? Thursday. 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 And our today's subject is maths. And our topic is tens and ones. Explain tens and ones. I explain you what meaning of T and O. So look at the board. T and O. What meaning of T? T stands for tens and O stands for ones. Now look at the board. How many bits are there? Kids, tell me how many bits are there. Let's count it. 1 and 2. How many bits? 2 bits. तो हमें यहाँ पे 2 कहाँ लिखना है, ये कहाँ 2 लिखा हुआ है, ओके नीचे ये क्या लिखा है, ओ दैट मीन्स वंस एंड टी दैट मीन्स टेंस. तो टेंस के नीचे हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे कितनी बिट्स है, ओनली 2. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये 2. देन नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर किड्स, काउंट विथ मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 7 bits. तो यहाँ पे हमने कितनी bits लिखी हुई, कितने नंबर है, 7 number. ओके नीचे दैट मीन्स वंस के नीचे हमें ये क्या लिखना है, यहाँ पे 7. एंड टी के नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ओनली 7 bits है ये. नेक्स्ट, यहाँ पे कितनी bits है काउंट करो. लेट्स काउंट विथ मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. How many bits are there? 9 bits. यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये 9 bits. ओ दैट मीन्स वंस के नीचे हमने क्या लिखा है, ये 9. सिर्फ ओ के नीचे ही हमने नंबर क्यों लिखे है, क्योंकि ओनली सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 की जो डिजिट होती है सिंगल डिजिट बोलते हैं उसे. तो सिंगल डिजिट सिर्फ वंस की कॉलम में हम लिख सकते हैं, टेंस की कॉलम में हम नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल डिजिट जो होती है वो कहाँ लिखी जाती है, वंस के नीचे. यू कैन लुक हियर, टॉर्ट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ ओनली 9 yellow bits. मतलब ओनली 9 digit तक की जो नंबर्स है वो ही हम यहाँ पे वंस के नीचे लिख सकते हैं. ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर रिटन इन द वंस कॉलम. वंस की जो कॉलम है ये वंस है, ओ दैट मीन्स वंस. तो वंस की कॉलम में ओनली 0 to 9 के जो नंबर्स है वो ही हम लिख सकते हैं. Now kids, take this book numbers C1 to 100 and open the page number 14. Tens and ones. Now let's understand how to write numbers in the tens column. अभी तक मैंने आपको समझाया कि हमें ones के line में लिखना है single digit. अभी हम tens में कैसे लिखेंगे? I'm explaining you. Okay kids? Now, what is this? These are bits. And how many bits are there? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. How many bits are there? Kitni bits hai ye? 10 bits hai. 10 yellow bits is equal to 1 green bit. That means 10 yellow bits jo diya hua hai uske equal mein 1 green bit. That means 10 yellow bits is equal to 1 green bit. नंबर 10 कैन बी शोन एज 10 येलो बिट्स. तो यहाँ पे हम येलो 10 नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 10 येलो बिट्स की जगह पे 1 ग्रीन बिट. 1 tens and 0 ones. ओके नेक्स्ट, नंबर 11. नंबर 11 कैन बी शोन एज 1 ग्रीन बिट एंड 1 येलो बिट. ये 10 येलो बिट्स है किड्स, लुक हियर. एंड तो इसके इज इक्वल में हम क्या लिखेंगे, इक्वल में 1 ग्रीन बिट एंड 1 ये क्या है, येलो बिट. तो टेंस यहाँ पे जो टेंस है तो टेंस के रॉड पे हमने क्या किया, ये 1 ग्रीन बिट एंड 1 येलो. दैट मीन्स टेंस 1 tens and 1 ones. 1 word 11. नेक्स्ट, नंबर 16 कैन बी शोन एज 10 येलो बिट्स एंड 6
येलो बीड्स. तो 10 येलो बीड्स इज इक्वल टू 1 ग्रीन बीड एंड 6 येलो बीड्स. तो यहाँ 10 के जो कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे, 1. 1 मीन्स 1 टेंस एंड 6 वंस. सो किड्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस. वी हैव डन पेज नंबर 14 एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्लास वर्क इज पेज नंबर 15 नंबर्स 11 टू 20. लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स लुक एट द बोर्ड. Write number 11 to 20. Look here. T and O. That means, who's tell me what meaning of T and what meaning of O? Who's tell me kids? Very good. T that means tens and O that means ones. Look here. O की ये जो आपको दिख रहा है O, O के नीचे हमने ये लिखा हुआ है और one T में T that means tens. तो tens में हमने one लिखा है. I can explain you. 1 1 11, that means 1 tens 1 ones. Next, 1 tens and 2 ones, that means 1 to 12. 1 tens and 3 ones, that means 1 3 13. 1 tens 4 ones, that means 1 4 14. Next, 1 tens and 5 ones, that means 1 5 15. 1 tens and 6 ones, that means 1 6 16. 1 tens and 7 ones, that means 1 7 17. 1 tens and 8 ones, that means 1 8 18. 1 tens 9 ones, that means 1 9 19. Next, 2 tens and 0 ones, that means 2 0 20. Now we write here 11 to 20. So let's start it. 1 tens 1 ones, 1 1 11. 1 tens 2 ones, 1 2 12. Kids, you can write with me. 1 tens and 3 ones, 1 3 13. 1 tens and 4 ones, 1 4 14. 1 tens 5 ones, 1 5 15. 1 tens 6 ones, 1 6 16. 1 tens 7 ones, 1 7 17. 1 tens 8 ones, 1 8 18. 1 tens 9 ones, 1 9 19. 2 tens 0 ones, 2 0 20. Now we will write again. 1 1 11, 1 2 12. Kids, you have to write with me in your textbook. 1 3 13. आपको टी की लाइन में 1 1 लिखना है, मतलब 1 1, और ओ की लाइन में आपको 1 2 3, मतलब 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, एंड नेक्स्ट नंबर 1 4 14, 1 5 15. Kids, tell me which number is comes here after 1 5 15. Yes, 1 6 16. Very good. 1 6 16. Next number is 1 7 17. 1 8 18. 1 9 19. 2 0 20. Now again we will write here. 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16. Which number is comes here after 1 6 16? Kids, tell me which number is comes here. Very good. 1 7 17. We will write here 1 7 17. After 1 7 17, which number is come here?
18. So kids, you have to write down in your book. 18. Next number is 19. After 19, which number is comes here? 20. Very good. 20. We will write here number 20. Now kids, look here, please write the missing numbers. हमें यहाँ पे क्या करना है, 11 to 20 तक के ये क्या दिए हैं, boxes दिए, काइट, पिक्चर काइट का है ना, उसमें ब्लैंक दिए है, जो ब्लैंक है वो मिसिंग नंबर है. तो हमें यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो फिल करना है. Which number is this? 1 to 12. Before 1 to 12, which number is come here? Yes, right, 11. So we will write here 11. Then next, after 1 to 12, which number is come here? Tell me kids, which number comes here? 13. After 13, which number is comes here? 14. Then next, 15. After 15, which number is comes here? Tell me kids. Very good, 16. So we will write here 16. Which number is this? 17. After 17, which number is comes here? Very good kids, 18. We will write here number 18. Then next number is 19. And last number is 20. So kids, I hope you understood this. Now kids, your today's homework is, in Maths Notebook, write number 11 to 20 two times. Again I repeat, your today's homework, Maths Notebook, write number 11 to 20 two times. Okay kids, bye bye.